अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गुल आइडियाज़ चैनल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको निहारी की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि इंतहाई आसान तरीके से बताऊँगी। बनानी बहुत आसान है, इंशाल्लाह जायकेदार बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। इसके लिए सबसे पहले हमें ऑयल चाहिए, प्याज चाहिए 3 अदद, 1.5 किलो चिकन चाहिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, और शान निहारी मसाला चाहिए। सबसे पहले आपने ऑयल डालना है, इसके बाद आपने प्याज डालने हैं। प्याज ब्राउन होंगे, इसके बाद हमने चिकन डालना है। आज बहुत अच्छा मौसम था तो मेरा दिल किया कि मैं निहारी बनाऊं, और बहुत आसान तरीके की है। जो बच्चियां भी कुकिंग सीख रही हैं तो बहुत आसानी से बना लेंगी, इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगी। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब आपने इसमें चिकन डालना है। अगर चिकन नीचे लग रहा है तो आप हल्का सा पानी का छिटा दे दो। मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा आप निहारी बना के खिलाए, तो मैंने कहा चले आज बना लेते हैं। कलर चेंज करेगा जब चिकन, उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये देखिए चिकन का कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है, लाइट सा। अब आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इस स्टेज पे आपने इसमें डालना है शान निहारी मसाला, 1 पैकेट बहुत है। इसको आप भूनेंगे। ये देखें मसाला बहुत अच्छी तरह हमने भून लिया है। अब आप इसमें पानी ऐड करेंगे, मैंने 1 लीटर डाला है। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उसके मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको इस स्टेज पे आपने ढाँप के 10 मिनट के लिए तकरीबन पकाना है। अब आपने 1.5 कप पानी लेना है, और उसमें 1 कप आटा, 1.5 कप ले लेना है। 1.5 कप हो गया आटा, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, कोई लम्ज ना रहे, मिक्स कर लें बेहतरीन करके। हमने ना इसमें जो हमने आटा मिक्स किया था ये डाल दें, आहिस्ता आहिस्ता गुटलियाँ ना बने। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो फिर आपने और ज़्यादा नहीं डालना आटा, कम डालना है। ग्रेवी के हिसाब से आप बना लें। मीडियम आग पे अब आपने इसको 15 मिनट तकरीबन पकाना है, उसके बाद इसका अगला स्टेप बताऊंगी। अब तड़के के लिए आपको चाहिए 1/2 कप ऑयल, 1 मीडियम प्याज और सफेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ऑयल डालें, इसमें प्याज डाल के इसको ब्राउन कर लें। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें अब आपने ये ज़ीरा डाल दें। ज़ीरा डाल के लाइट सा आपने ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना इसको। इसका मेरे के ऊपर हरे तड़का डाल देना इसका। इस स्टेज पे आके आपने नमक चेक करना है, अगर कम है तो आप और डाल लें हसबे जायका, और जितनी ग्रेवी रखी है आपने उतनी रखे ना आपने, बस ये आपकी फिर निहारी तैयार है। ये देखें निहारी तैयार है, कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।